हेलो एवरीवन, हम आपके लिए लेकर आए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डोज सीरीज, जिसमें हम क्लास 5 को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि SSC CSL का हुआ, रेलवे का हुआ, CSL का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए 40 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई है, तो एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, 13.40 मीटर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बैडमिंटन के अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एकल की लंबाई तो 13.40 मीटर थी, और बात की जाए चौड़ाई की तो चौड़ाई है 5.18 मीटर, और युगल के लिए 6.1 मीटर होती है लंबाई। बैडमिंटन नेट को कोर्ट के केंद्र में स्थापित किया जाता है और इसकी ऊंचाई जमीनी स्तर से 1.55 मीटर होती है, और कोर्ट की लाइनें 40 मिलीमीटर चौड़ी होती है, और कोर्ट के माप के अंदर मानी जाती है इस बैडमिंटन की लंबाई। बैडमिंटन कोर्ट का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 87.4 वर्ग मीटर, और इसे एकल और युगल खेलों के लिए दोनों बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो ये आपको बताना है कौन है प्रशासनिक प्रमुख भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखक विभाग का। कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी भी देख लेते हैं हम। जो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए ऑडिट की जिम्मेदारी इस पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है? तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना कौन है, जो प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक इन तीनों सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वो कौन सी योजना है? इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा राइट आंसर इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, PMABHIM, ये अखिल भारतीय योजना है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके फुल फॉर्म है। इसके बारे में अदर जानकारी देख लेते हैं। ये योजना देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना है, जो कि देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सुरक्षा के बंधन शब्द से जुड़ा है? जो सुरक्षा के बंधन शब्द से जुड़ा है वो कौन सा त्यौहार है, ये आपको बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें, सुरक्षा बंधन शब्द से जुड़ा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो सुरक्षा बंधन माना गया है, ये आपको पता होगा, ये भाई बहन का त्यौहार है। इसके बारे में अदर जानकारी देखते हैं। ये सुरक्षा बंधन सबसे जुड़ा त्यौहार माना जाता है। ये हिंदू माह श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू माह में जो श्रावण की पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, और यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच बंधन का जश्न मनाता है। भाई और बहनों के बीच प्यार को दर्शाता है ये त्यौहार।
इस दिन मैंने प्यार और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपने भाई की कलाई पर राखी नामक पवित्र धागा बांधती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर पूंजी की खपत को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है स्थिर पूंजी खपत को, ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट है? स्थिर पूंजी की खपत को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है स्थिर पूंजी की खपत को। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। और मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है इसको, और ये स्थायी पूंजी की खपत से तात्पर्य है कि यह टूट फूट और अप्रचलन व अन्य कारकों के अचल संपत्ति के मूल्य से में कमी से है। क्या तात्पर्य है स्थायी पूंजी की खपत से? तात्पर्य यह है कि जो ये टूट फूट अप्रचलन व अन्य कारकों के कारण जो अचल संपत्ति के मूल्य में कमी से है इसकी खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते हैं, और जिसका अर्थ सात नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र से, और सात नदियों में से एक नदी कौन सी है? झेलम। इसका प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, जो कि सात नदियों में से एक नदी मानी जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, वित्तस्ता। वित्तस्ता झेलम का प्राचीन नाम है, ये आपको बता दें। इसकी और अदर इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं क्वेश्चन की हम। जो ये विस्तृता है ये झेलम का प्राचीन नाम है। झेलम नदी पंजाब क्षेत्र से बहने वाली पांच नदियों में से एक है, और ये पांच नदियों में सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। कौन सी? झेलम नदी। ये हिमालय में वेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय में जो वेरीनाग झरना है वहाँ से ये नदी निकलती है, और पाकिस्तान में प्रेस करने और चिनाब नदी में मिलने से पहले ये कश्मीर घाटी से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? ये कश्मीर घाटी से होकर बहते हैं पाकिस्तान में प्रेस करने से पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन में खालिस्तान उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। तो चोल प्रशासन में उन गांवों में क्या होती थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे? तो इसका आंसर है डी, सभा होती थी। चोल प्रशासन में सभा होती थी जहां उन गांवों की सभा होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। इस सभा में अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं इसकी। ये उन गांवों की सभा थी जहां चोल प्रशासन में मुख्य रूप से कौन रहते थे? ब्राह्मण। ये एक स्थानीय स्वशासन संस्था थी जो बुजुर्गों के लिए एक परिषद के रूप में कार्य करती थी, जो गांव के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। कौन? सभा, जो गांव के प्रशासन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तापी नदी घाटी का हिस्सा कौन नहीं है? राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, या मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात। इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, कौन तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। राजस्थान तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों नदियों, तीनों राज्यों में से ये तापी नदी का हिस्सा है। राजस्थान में ये तापी नदी है, क्योंकि राजस्थान नॉर्थ की साइड में हो जाता है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं अब इसकी। ये पश्चिम भारत में स्थित एक नदी घाटी है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है तापी नदी में, और राजस्थान तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता। मतलब राजस्थान तापी नदी के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि ये बेसिन उत्तर में स्थित है। तापी नदी इस घाटी की मुख्य नदी है। यह सूरत से होकर अरब सागर में गिरती है। ये मुख्य नदी, ये सूरत से होकर कहाँ पर गिरती है? नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, और ये नदी डेल्टा भी नहीं बनाती, आपको पता हो तो। नर्मदा और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर के लिए शीतलन माध्यम और MRI स्कैनर और NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, हीलियम। जो हीलियम है इसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के लिए शीतल माध्यम और MRI स्कैनर NMR स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हीलियम का।
इसके अदर जानकारी देख लेते हैं। ये एक बेहद कम तापमान पर तरल अवस्था में रहने की क्षमता के कारण इसका उपयोग किस में किया जाता है? लार्ज हैड्रन कोलाइडर में, MR स्कैनर में भी किया जाता है और NMR स्पेक्ट्रोमीटर में भी इस मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो कि गैर प्रतिक्रियाशील है, जो इसे संवेदनशील उपकरणों के लिए एक आदर्श शीतलन माध्यम बनाती है। हीलियम कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो किस विचारों को व्यक्त करता है ये भरतनाट्यम? आपको बताना है भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और खालिस्तान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो किसके विचारों को व्यक्त करता है? तो आंसर इसका बी, शैव धर्म को। कौन से धर्म को व्यक्त करता है? शैव धर्म को। भरतनाट्यम जो दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसकी अदर जानकारी देखते हैं। ये एक शास्त्र नृत्य शैली है। कौन? भरतनाट्यम। ये एक शास्त्र नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारतीय राज्य तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये अपने जटिल फुटवर्क, हाथ के इशारों और चेहरों के हाव भाव के लिए जाना जाता है। ये नृत्य शैली दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है, जो हिंदू धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है। ये भगवान शिव को सर्वोच्च मानते हुए पूजा करती है। इस नृत्य में भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexplained.com। आपको फ्री में PDFs और नोट्स भी मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप नौकरी एक्सपीरियंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जाकर किसी भी एग्जाम सब्जेक्ट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आप स्टेट वाइज कोई भी एग्जाम हो आपका, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? तो कौन है लोकप्रिय, ये आपको बताना है। संगीतकार में वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो राइट आंसर इसका बी, विलायत खान। विलायत खान है जो वाद्य यंत्र में के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं अब इसकी। जो विलायत खान है ये एक भारतीय सितार वादक है, वादक थे जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। वे अपने समय में सबसे प्रतिष्ठित सितार वादकों में से एक थे, जिन्होंने आफ्ताब ए सितार या सितार का सूरज के नाम से भी जाना जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं ये विलायत खान? सितार का सूरज या आफ्ताब ए सितार, इनको इस नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन था फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक और टाइगर लीजन का? तो आंसर इसका बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक माना जाता था। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं अभी इस क्वेश्चन की। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस सेना का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों की सहायता से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस सेना का गठन किया गया था। इस सेना में दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी सेना द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध कैदी और जर्मनी में निर्वासित भारतीय नागरिक शामिल थे। कौन शामिल थे? जो जापानी सेना द्वारा भारतीय योद्धा पकड़े गए थे और जर्मनी में निर्वासित भारतीय नागरिक इस सेना में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पाने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों को अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। तो बताइए कौन सी प्रजाति है वो जो
एक ही प्रजाति हो या विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, तो उस प्रजाति का नाम है ब्रूड परजीविता। आंसर हो जाएगा ए, ब्रूड परजीविता। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। यह एक प्रजनन रणनीति है जिसमें एक परजीवी उसी प्रजाति या अलग प्रजाति के किसी अन्य व्यक्ति के घोंसले में अपने अंडे देते हैं और मेजबान परजीवी के बच्चों को पालता है। मतलब किसी दूसरे घोंसले में जाकर वो अपने अंडे देता है और अपने अंडों के साथ वह दूसरे परजीवी के अंडों की भी देखभाल करता है, उनको पालता है। यह ब्रूड परजीविता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, उन राज्यों को आरोही क्रम में लिखे जो जनजातीय जनसंख्या के आधार पर पहचान की गई है। इनकी आरोही क्रम मतलब चढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटी संख्या बतानी है जनसंख्या, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब पहला आएगा उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश आएगा। जनजाति जनसंख्या आधार पर इनको ऐसे आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं अब इसकी। किसी राज्य की जनजातीय जनसंख्या से तात्पर्य उस राज्य में रहने वाले विभिन्न जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या से है, कि वहाँ पर कैसी समुदाय, कैसी जनजातियाँ रहती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित उल्लिखित तीन राज्यों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या थी। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में थी आदिवासी जनसंख्या, उसके बाद थी महाराष्ट्र में, और सबसे कम आदिवासी जनसंख्या मानी जाती है ओडिशा राज्य में थी। तो आरोही क्रम में आपको बताना था, तो सबसे पहले ओडिशा में सबसे कम थी, तो उससे ज़्यादा थी महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा कहाँ आया आदिवासी जनसंख्या, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो किस औद्योगिक नीति के आधार पर निवेश सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 रुपये किया है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी, 1980 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। 1980 की औद्योगिक नीति में, जिस औद्योगिक नीति में छोटे उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2,00,000 रुपये किया गया, वह 1980 की औद्योगिक नीति है, और यह नीति लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पेश की गई है। क्यों पेश की गई है, वित्तीय सहायता प्रदान करने, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ये आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने किया था ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर है सी, फ्रेड होयल। किसने दिया था, फ्रेड होयल ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार दिया था। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। ये वह वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्रह्मांड की स्थिर स्थिति की अवधारणा के बारे में सोचा था। स्थिर अवस्था सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, मतलब ब्रह्मांड की ना तो शुरुआत का पता है ना ही अंत का, और ये निरंतर घनत्व बनाए रखने के लिए नए पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। घनत्व के कारण ब्रह्मांड में नए पदार्थ लगातार बनते रहते हैं, ये विचार किसने दिया था, फ्रेड होयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजस्व संग्रहण की रेत वारी प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी खालिस्तान पर आधारित है, यह बताना किस पर आधारित है यह प्रणाली, रेत वारी प्रणाली जो किसके द्वारा शुरू की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका आंसर है हमारा बी, रिकार्डो का लगान सिद्धांत पर आधारित है। भारत में राजस्व संग्रहण की रेतवारी प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू गई थी, ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत पर आधारित है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, किस पर आधारित है, भारत में राजस्व संग्रहण की रेतवारी प्रणाली ब्रिटिशों के द्वारा अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान शुरू की गई थी, और यह प्रणाली लगान के रिकार्डो सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, रिकार्डो सिद्धांत पर, जिसमें
कहा गया है कि लगान भूमि की अलग अलग उर्वरता के कारण भूस्वामियों को द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय है, भूस्वामियों के द्वारा अर्जित आय है, ये रेतवाड़ी प्रणाली द्वारा शुरू किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, इस प्रणाली को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में आसमाटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है नोबेल पुरस्कार बताइए? आंसर है बी, जैकोबस हेनरिकस वैन टी होफ को, जैकोबस हेनरिकस वैन टी होफ को ये नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में आसमाटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा खोज की गई थी, उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी, ये एक डच रसायनज्ञ थे और ये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के पहले विजेता भी थे। उन्हें त्रिम रसायन विज्ञान और भौतिक रसायन विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता था। किनको? जैकोबस हेनरिकस वैन टी होफ को माना जाता था। विलयनों में रासायनिक गतिशीलता और प्रासरणीय दबाव के नियमों में उनके योगदान के लिए उन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। विलयनों में रासायनिक गतिशीलता और प्रासरणीय दबाव के नियमों में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में, जो कि रासायनिक, भौतिक रासायनिक और रसायन विज्ञान में का संस्थापक भी माना जाता है, और एक डच रसायनज्ञ थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताइए नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आंसर है बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, 5 से लेकर 11। इसकी और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? ये संविधान के लागू होने से पहले भारत में नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो कि इस संविधान के लागू होने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है। यह अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है, इसने कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जो पहले भारत में रहते थे लेकिन बाद में पाकिस्तान चले गए, इसमें ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार भी दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान में से कुछ प्रवासियों को नागरिकता के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो पाकिस्तान में प्रवासी हो गए हैं उनको नागरिकता के अधिकार दिए गए, ये अनुच्छेद 7 में बताए गए। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में है कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए, जो मतलब भारत के वासी तो हैं लेकिन भारत में ना रहकर कहीं और रहते हैं, उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया है? बेशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। जो भारत में न रहकर किसी अलग देश में रहना चाहता है तो वो वहाँ उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा, ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के तहत भारत का नागरिक है या कि संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है, वे ऐसे नागरिक बने रहते हैं, ये अनुच्छेद 10 में बताए गए। अनुच्छेद 11 में है कि ये संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी प्रदान करने और इससे संबंधित सभी मामलों को लागू करने का अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 11 में बताया गया है, जो कि 5 से लेकर 11 से संबंधित है। नागरिकता का अधिकार बताया है, नागरिकता से संबंधित अधिकार 5 से लेकर 11 तक है, जो कि अलग अलग तरीके से बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।
PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriexplained.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।